तो बड़ी खबर नेपाल से है, जहां नेपाल में बड़ा विमान हादसा हुआ है। 72 लोगों को लेकर जा रहा यति एयरलाइंस का विमान पोखरा एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस ATR-72 प्लेन में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। क्रैश होने के तुरंत बाद विमान में भीषण आग लग गई है। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने और अंदर से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया कि इस हादसे में कितने लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से विमान एक पहाड़ी से टकरा गया। क्रैश होते ही इसमें धमाके के साथ आग लग गई। आग की वजह से लोगों को निकलने में मुश्किलें हो रही हैं। साथ ही क्रैश की साइट एक नदी के पास बताई जा रही है।